हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टीरियो केमिस्ट्री का आपका एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिफाइन कर रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये आपका। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको डिफरेंसेशन के बेसिस पे ही इसका वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किरल सेंटर और किरल मॉलिक्यूल क्या सेम स्टेटमेंट को इंडिकेट करते हैं या डिफरेंट स्टेटमेंट रखते हैं। तो उसके लिए मैं पहले किरल सेंटर डिफाइन करता हूं। कोई भी ऐसा एटम जो कि आपका चार डिफरेंट एटम से अटैच होता है, सपोज आपका कोई एक सी एस सी है, एक सी एल है, एच है और ओ एच है ना, ये आपका कार्बन सेंटर क्या कहलाएगा, आपका किरल सेंटर कहलाता है आपका। ठीक है, दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, कोई एटम भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, चार डिफरेंट होना चाहिए बट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज किरल सेंटर। और किरल सेंटर ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन अगला स्टेटमेंट आप देना चाहें तो कह सकते हैं किरल सेंटर आइडेंटिफिकेशन के दौरान आपका जो आइसोटोपिक एटम्स हैं वो डिफरेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे ये है ना, ये है सपोज आपका 1H1 है, 1H2 है, ड्यूटेरियम जिसको कहते हैं, 1H3 है और एक मान लिया क्लोरीन है, तो आपका ये कार्बन सेंटर क्या होगा, आपका किरल सेंटर कहलाएगा आपका। ठीक है, ये किरल सेंटर होगा, क्यों होगा, क्योंकि है तो तीनों हाइड्रोजन लेकिन आइसोटोपिक है, तो आइसोटोपिक हाइड्रोजन को आप क्या कहेंगे, थ्री डिफरेंट ग्रुप कहेंगे, चौथा डिफरेंट कौन हो गया, सीएल हो गया, तो किरल हो गया। ऐसे ही देखिए, ये है सी एस सी 13, Cl और OH, ये भी किरल है आपका, क्यों है, यहां पे दो CST तो है, आइडेंटिकल ग्रुप लग रहा है, लेकिन ये CST का कार्बन कैसा है, 13 मास नंबर वाला है, तो आइसोटोपिक ग्रुप हो गए। देखिए, ये आइसोटोपिक एटम्स थे, ये आइसोटोपिक ग्रुप्स हैं, तो ये भी आपका क्या है, आपका किरल सेंटर है। देख, देन एक ऑब्जर्वेशन और देखिए, ऐसे सारे कंपाउंड्स, ये एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व है, ऐसे सारे कंपाउंड्स भी है जिनमें वन किरल सेंटर होता है, वो ऑलवेज आपका 100% ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन, वन किरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है ना, क्या कहा मैंने, कोई भी ऐसा कार्बन एटम जो कि चार डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज किरल सेंटर। देन आइसोटोपिक, सॉरी, दूसरा पॉइंट हमने कहा कि आपका किरल सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा। तीसरा हमने कहा कि किरल आइडेंटिफिकेशन के दौरान आइसोटोपिक एटम्स डिफरेंट एटम की तरह बिहेव करेंगे, या आइसोटोपिक ग्रुप है वो भी डिफरेंट ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। देन अगला हमने कहा कि आपका क्या है, जो जिस कंपाउंड में एक किरल सेंटर प्रेजेंट होता है, वो सारे के सारे क्या है, एक्सपेरिमेंटली हमने चेक करके देखा, कैसे चेक करके देखेंगे, कंपाउंड का सोल्यूशन क्रिएट किया, वहां से हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, तो प्लेन पोलराइज लाइट राइट रोटेशन करता है और लेफ्ट रोटेशन करता है, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो जितने भी वन किरल सेंटर वाले कंपाउंड थे उनके सॉल्यूशन से हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया, तो हमने देखा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट या लेफ्ट को रोटेट हो रहा था, इसका मतलब वो सारे कंपाउंड कैसे थे, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर थे। ठीक है, तो यहां से लोगों ने एक प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया गया कि किरल सेंटर की प्रेजेंस होगी तो कंपाउंड कैसे होंगे, ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, ये लोगों का प्रेडिक्शन था, एक किरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स को देखते हुए लोगों ने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि किरल सेंटर होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मींस किरल सेंटर विल बी द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए गए, जिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से यह प्रूफ हुआ कि आपका बहुत सारे नॉन किरल सेंटर वाले कंपाउंड जिसमें किरल सेंटर था ही नहीं, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव देखे गए, जिनको हम बाद में आएंगे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के तरीके, हमको जिनमें किरल सेंटर होता ही नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो कहलाते हैं डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, लाइक एलीन्स, लाइक स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, और बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे थे, बाइफिनाइल्स भी आते, सब्स्टिट्यूट बाइफिनाइल भी उसी में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी थे जिनमें किरल सेंटर था, मोर देन वन किरल सेंटर था, वन वाले के लिए तो श्योरिटी है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, लेकिन मोर देन वन किरल सेंटर थे लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव पाया गया भी आपका। ठीक है, उन कंपाउंड्स को जनरली हम मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो
तब जाकर के यहां से एक कंक्लूजन दिया गया कि ये किरल सेंटर का होना किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो बात आ गई किरल सेंटर की। इसी को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं। ठीक, और ये जरूरी नहीं है कि किरल सेंटर केवल कार्बन सेंटर ही होगा। ठीक है, कोई ट्रांसन मेटल कॉम्प्लेक्स है, जैसे जिंक है, एक क्लोरीन से अटैच्ड है, एक ब्रोमीन से अटैच्ड है, H2O से अटैच्ड है, और एक अमोनिया से अटैच्ड है, टेट्राहेड्रल है ना, जिंक प्लस टू स्टेट -2 ये प्लस टू स्टेट पे आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, किरल सेंटर है। ठीक है, नॉन किरल क्या है, नॉन कार्बन एटम भी आपका किरल सेंटर हो सकते हैं, बस कंडीशन है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए सेंट्रल एटम का और चार डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच होना चाहिए, जो कि यहां पे अवेलेबल है। देन ऐसे देखिए अमोनियम डेरिवेटिव है CH3H C2H5 देन C3H7 पॉजिटिव, क्वार्ट क्या है, चलो एच की जगह इसकी जगह आप कोई ग्रुप रख लो C4H9 रख लो, क्वार्टरनरी अमोनियम डेरिवेटिव है, NH4 पॉजिटिव होता है तो अमोनियम होता है, तो क्वार्टरनरी अमोनियम, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चार डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, ये भी आपके किरल सेंटर हो सकते हैं, या ऐसे फॉस्फोनियम डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, या आपका ये हो सकता है देखिए NH C2H5 CH3 एक लोन पेयर है तो ये भी किरल होते हैं, यहां पे तीन डिफरेंट ग्रुप, चौथे ग्रुप का काम कौन करेगा, लोन पेयर करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ट्राइवेलेंट स्पीशीज विद वन लोन पेयर भी आपका क्या है, किरल सेंटर हो सकते हैं, बस कंडीशन है कि थ्री डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, टेट्रावेलेंट सेंटर्स विथ फोर डिफरेंट ग्रुप हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ये भी किरल सेंटर हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग क्या है सेंट्रल मेटल एटम विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड फोर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, ये भी किरल सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो किरल सेंटर केवल कार्बन नहीं होता, लेकिन हम ऑर्गेन के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो कार्बन सेंटर का हम ज्यादा क्या डिस्कशन करते हैं, तो ये तो बात आई किरल सेंटर की। ठीक है, अब बात आती है कि किरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, किरल सेंटर समझाया ना कि भैया जिनमें एक कार्बन सेंटर क्या है, कोई भी कार्बन चार डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो किरल है, और एक किरल वाले ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मोर देन वन किरल वाले हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, और जिसमें किरल नहीं है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, इसका मतलब किरल सेंटर का होना कंपाउंड के अंदर कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी का इंडिकेशन नहीं है ये कंप्लीटली। ठीक है, देन किरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं, मींस जिन सारे मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेशन करता है, डेक्स टू लिगो नेचर एग्जिबिट कराता है, वो सारे कंपाउंड के किरल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, भले ही उसमें किरल सेंटर हो या किरल सेंटर ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, किरल मॉलिक्यूल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर नोन एज किरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट मे बी किरल सेंटर कंटेनिंग और मे बी नॉन किरल सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक, देन फिर यहां पे एक बात आती है कि किरल मॉलिक्यूल को पता कैसे चलेगा, फिर तो इसके लिए एक तरीका हम बोलते हैं, इसके लिए भी आपका नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा, चार डिफरेंट टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन लास्ट वन अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री। पहला सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जिस भी स्पीसीज के अंदर सेकंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होगा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री में से कोई भी प्रेजेंट है तो वो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और जिसमें ये तीनों नहीं होंगे, फर्स्ट ऑर्डर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी में, सेकंड ऑर्डर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री जिसके अंदर नहीं है, तीनों में से कोई भी नहीं है, दीज मॉलिक्यूल्स विल बी 100% ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे आर नोन एज किरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो किरल मॉलिक्यूल को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट जिनमें नहीं होता है वो सारे मॉलिक्यूल्स किरल मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मे कंटेन और मे नॉट कंटेन द किरल सेंटर। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, तो ये भी आपका किरल सेंटर और किरल मॉलिक्यूल के बीच में बिल्कुल क्या है, ब्रीफ में हमने आपको क्या करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, तो आई होप कि आप समझ जाओगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो हमारा होता है, इसी किरल मॉलिक्यूल को, कब मॉलिक्यूल किरल होता है नहीं होता है इसको डिफाइन करने के लिए, इसी से रिलेटेड हम अगले वीडियो में आएंगे। चलिए इसको वॉच करिएगा। ठीक है, थैंक यू।